चैनल ब्यूटी एक्सप्रेस विद निशा। सो मेरी रीसेंट वीडियो जो थी फर्स्ट Q&A सेशन, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो उसमें मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था कि आपकी रीसेंट हेयर केयर रूटीन क्या है, तो आज मैं आप सबके लेके आई हूँ माई रीसेंट हेयर केयर रूटीन। सो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि वो क्या है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें and also hit the like button. अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं एंड जानना चाहते हैं मेरे लाइव अपडेट, देन फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम, माई इंस्टा हैंडल इज देयर फॉर रील्स एंड अपडेट्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। तो हेयर केयर रूटीन का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है हेयर ऑयलिंग। तो उसके लिए मैं जो यूज कर रही हूँ वो है, सो ये है वाओ का 10-in-1 हेयर ऑयल। सो ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है, ये पंप बॉटल के साथ आता है, इससे बहुत इजी हो जाता है यूज करना एंड ये बहुत लाइट वेट है आपके हेयर के लिए। एज यू कैन सी मैं काफी यूज कर चुकी हूँ, ये ज्यादा नहीं लगता है, बहुत कम क्वांटिटी में आपको अप्लाई करना होता है। तो जैसे कि इसके नेम में ही है 10-in-1 ऑयल, तो इसमें 10 अलग अलग तरीके के ऑयल्स हैं, जैसे कि स्वीट आमंड ऑयल, मरोकन आर्गन ऑयल, टी ट्री एसेंशियल ऑयल, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। तो ये इन सभी ऑयल्स का मिक्सचर एक बॉटल में है। तो कुछ टाइम पहले मुझे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने लग गया था, तो इसने मेरे हेयर फॉल को काफी कंट्रोल कर लिया है एंड ये आपके रूट्स में जाके उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके जितने भी फ्रिजी हेयर हैं उनको कंडीशन भी करता है एंड बेस्ट पार्ट इज इट सूट्स ऑल हेयर टाइप्स। सो हेयर केयर रूटीन के जो नेक्स्ट दो स्टेप्स हैं, जो कि है शैम्पू एंड कंडीशनर, वो इस एक बॉक्स में है। तो इसमें शैम्पू एंड कंडीशनर दोनों है। सो दिस इज द सेकेंड स्टेप। सो ये है वाओ का एप्पल साइडर विनेगर शैम्पू। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर जेल फॉर्म में है एंड ये लाइट येलो कलर में है। ये ज्यादा लेदर नहीं करता है बिकॉज इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं है एंड ये आपके बालों को अच्छे से क्लेंस करता है। सो एज यू कैन सी ये मैंने इतना यूज कर लिया है। तो इसमें एप्पल साइडर विनेगर है जो मेरे हेयर फॉल को एंड डैंड्रफ को बहुत अच्छे से ट्रीट करता है एंड इसी के साथ ही मेरे हेयर के वॉल्यूम को भी बूस्ट करता है। प्लस इसमें DHT ब्लॉकर्स भी हैं। DHT ब्लॉकर्स क्या होता है? सो DHT एक ऐसा हार्मोन है जिससे हमारा बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो जाता है एंड कईयों के यहाँ स्किन दिखनी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें DHT ब्लॉकर है जो इन दोनों चीजों को बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगी। तो हेयर केयर रूटीन का नेक्स्ट स्टेप है हेयर कंडीशनर। ये है वाओ का कोकोनट एंड एवोकाडो ऑयल कंडीशनर। सो ये बहुत थिक है एंड इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी है एंड आपके हेयर एंड्स को ये सॉफ्ट एंड स्मूथ बनाता है। जैसे कि इसमें कोकोनट ऑयल है तो उससे हमारे हेयर एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं एंड इसमें एवोकाडो ऑयल भी है, इसमें बायोटिन भी होता है जो हमारे हेयर को एकदम थिक एंड स्ट्रॉन्ग बनाता है। मेरे जो हेयर एंड्स हैं वो पहले बहुत ड्राई एंड फ्रिजी रहते थे एंड इस कंडीशनर ने उनको बहुत सॉफ्ट बना दिया है। आपको मैं लाइव रिजल्ट दिखाती हूँ। तो मैंने शैम्पू एंड कंडीशनर करने के बाद कुछ भी नहीं अप्लाई किया है। सो दिस इज माई कॉम्ब। तो एज यू कैन सी इसमें बिल्कुल भी फ्रिजीनेस नहीं है एंड इससे आपके हेयर एंड्स एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आज की हेयर केयर रूटीन आप सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो गाइज, मेरा नेक्स्ट माइलस्टोन है 300 सब्सक्राइबर्स। सो जल्दी से 300 सब्सक्राइबर्स करें सो दैट हम उससे नेक्स्ट जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। सो डू सब्सक्राइब इट, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरी वीडियोस हर थर्सडे 12 बजे आती है। सो स्टे ट्यून्ड, देखो मेरा नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय बाय।